निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोपू अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं। बहुत आभार। जब जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से अतीत पर गर्व हो तो मुझे बताइएगा, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी। भाई वाह 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 वाह। गोरों की सत्ता के मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब इतिहास जानते हैं। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर की महाज्वाल, अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया के राजनेताओं के क्या घोषणा पत्र होते हैं जैसा उस देवी के पास था, उस देवी का घोषणा पत्र बांट रही हूँ, लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। वाह 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 कविता। पति पति परम धाम को चले गए। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत आभार। ये पूरे कवि कुल की ओर से मेरी भाभी ने मुझे सम्मानित किया, आशीर्वाद दिया। अब एक बार आप अपनी तालियों का स्वर दे देंगे तो मुझे लगेगा आपने भी सहभागिता दी। बहुत आभार। पति पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी, त्यागे। बहुत आभार। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। एक मूर्ति आप सबने देखी है, शब्दों से मूर्त कर रही हूँ, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बल गाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड्ग निज हाथों में, जब तक बहुत आभार, जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई। कविता का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ कुंभराज, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबने जो इसने दिया, और खासकर वो जो पूरे युवा वर्ग जो उपस्थित है उसने जो संबल दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी,
तावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के उनके दो विशेष घोड़ों का उल्लेख है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला समतलवारे चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। मुझे नहीं पता कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। राजनीति में दल बदल हो सकते हैं, लेकिन इतिहास तो वही रहता है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। ये मंच तो सत्य कहेगा। और ये बात तो सच है, सत्य है, ये इतिहास है कि यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मी बाई का साथ दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। भाई जिंदाबाद, ये सत्य है भाई। सच कहने की हिम्मत और सत्य स्वीकार करने की यदि आप हिम्मत रखते हो तो मेरे साथ हो जाइएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाव बारे थे। एक पंक्ति गा रही हूँ जो महारानी लक्ष्मी बाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपके 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 जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवारों में रोज घटित होती हो तो मुझे फिर सूचित कीजिएगा कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे, साहस के तब पौ बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। दुश्मन से बहुत अच्छे कविता, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अब। और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं शास्त्रार्थ करने की बुद्धि तो मुझ में नहीं है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं किसी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकती, अल्प बुद्धि है। परंतु कुछ पौराणिक साक्ष्य हैं जिन्हें मैं ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में रख रही हूँ। आप बात स्वीकार कर लीजिएगा। अपनों से हारने की परंपरा कहां से हो रही है? स्वागत 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 कविता। त्रेता में मद लोलुप होकर, त्रेता में मद लोलुप होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाए। इतिहास नहीं बदलेगा, इतिहास साक्ष्य बन जाता है। जितनी श्रद्धा हो आपके मन में उस देवी के प्रति मुझे एक बार में दे दीजिएगा। इतिहास साक्ष्य बन जाता है, हनीय सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी। भाई वाह वाह, कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत आभार।